एसटीएलसी के फेजेस हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम। हमने डिस्कस किया फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के बाद हमारा नेक्स्ट फेज है एनालिसिस फेज। एनालिसिस फेज में क्या होता है कि आपका सिस्टम एनालिस्ट कंप्लीट सिस्टम एनालिसिस कंडक्ट करता है ताकि वो गिवन टास्क को या गिवन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके कंप्लीटली। तो इस फेज में क्या होता है जी, एनालिस्ट गैदर करता है, एनालाइज करता है और वैलिडेट करता है इंफॉर्मेशन को, डिफाइन द रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोटोटाइप्स ऑफ द न्यू सिस्टम, इवेलुएट द अल्टरनेटिव प्रायोरिटी रिक्वायरमेंट, एग्जामिन द इंफॉर्मेशन नीडेड टू द एंड यूजर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट SRS ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड, ये उसके काम होते हैं। ये सबसे पहले वो इंफॉर्मेशन को गैदर करेगा, वैलिडेट करेगा, फिर वो क्या करेगा जी, उसके लिए प्रोटोटाइप तैयार करेगा। प्रोटोटाइप क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप एक वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, तो आप जी एनालिस्ट के पास एग्जांपल वेबसाइट्स बने हुए होंगे, ठीक है, उन्हें प्रोटोटाइप कहते हैं कि इसकी टाइप की मैं डिजाइन करूँ। फिर वो उसके अल्टरनेटिव का इवेल्युएशन करेगा, मिसाल के तौर पर 3-4 प्रोटोटाइप्स हैं, इसमें से बेस्ट कौन सी, ठीक है, फिर क्या करेगा जी, जो बेस्ट को चूज करेगा उसका एग्जामिनेशन करेगा कि वो इस सिस्टम के मुताबिक ठीक है या नहीं। अब ये काम करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट क्या करता है जी, केस टूल्स का इस्तेमाल करता है। केस का मतलब क्या होता है, केस का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स, ठीक है। केस टूल सेटअप टूल्स होते हैं, ग्राफिकल टूल, जिसकी मदद से कोई सिस्टम एनालिस्ट या सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी भी सिस्टम का डिटेल्ड सिस्टम एनालिसिस कंडक्ट कर सकता है। अब यहाँ पर केस टूल्स में हमारे पास क्या है जी, के जब हम बात करें तो इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, केस टूल को अपर केस और लोअर केस। इसमें प्लानिंग एनालिसिस और डिजाइन के लिए जो केस टूल इस्तेमाल होते हैं उन्हें अपर केस टूल्स कहते हैं, और लोअर केस कौन से होते हैं, जो इम्प्लीमेंटेशन टेस्टिंग और मेंटेनेंस के लिए इस्तेमाल हों, ठीक है। अब केस टूल्स होते कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमारे पास डायग्राम टूल्स होते हैं, ठीक है। डायग्राम टूल्स कौन से होते हैं जी, ग्राफिकल टूल्स जो किसी भी सिस्टम में डाटा फ्लो को प्रेजेंट करें, उनको हम क्या कहते हैं, डायग्राम टूल्स कहते हैं, ठीक है। डायग्राम टूल्स में क्या होता है, मिसाल के तौर पर हमारे पास होता है जी फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट किसे कहते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लो ऑफ डेटा थ्रू अ सिस्टम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। जैसे ये आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, लैंप के चलने का फ्लो चार्ट। अब ये जो सिंबल है, ये स्टार्ट स्टॉप है, ये प्रोसेस है, ये आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। कहते हैं जी लैंप डज नॉट वर्क, लैंप प्लग इन। अगर लैंप को प्लग इन किया गया, प्रोसेस नहीं किया गया, प्लग इन द लैंप। अगर किया गया है, बल्ब बर्न ऑन, बल्ब जला हुआ है तो रिप्लेस द बल्ब, अदरवाइज रिपेयर द लैंप। अब ये एक छोटे से लैंप के लिए, ठीक है। तो इसी तरह दो चार्ट एक सिस्टम के लिए होता है और एक होता है प्रोग्राम के लिए। सिस्टम फ्लो चार्ट जो होता है, जैसे अभी आपने देखा कि एक बल्ब के फ्लो को प्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इदारे के डेटा फ्लो को भी सिस्टम का फ्लो चार्ट प्रेजेंट कर सकता है। और एक होता है प्रोग्राम फ्लो चार्ट। प्रोग्राम फ्लो चार्ट वो होता है जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के डेटा फ्लो को प्रेजेंट करे कि कंप्यूटर का प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है। तो जैसे यहां पर कहता है स्टार्ट, फ्लो चार्ट का स्टार्ट सिंबल लगाया, उसमें कहता है इनपुट और नंबर। आपने कंप्यूटर को नंबर इनपुट करना है। प्रोसेस क्या दिया, इफ नंबर परसेंट 2 इज इक्वल टू 0, अगर नंबर को 2 पर तकसीम करें रिमाइंडर 0 आ जाए। दो केसेस हो सकते हैं, यस या नो। यस की सूरत में कहता है ये इवन नंबर है, नो के सूरत में कहता है ये ऑड नंबर है, और प्रोग्राम को स्टॉप कर देगा। इसे कहते हैं प्रोग्राम फ्लो चार्ट। दूसरा होता है प्रोसेस मॉडलिंग टूल। प्रोसेस मॉडलिंग टूल कौन से होते हैं, DFT, ERD, ठीक है।
ईआरडी का मतलब है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम किसी भी सिस्टम के अंदर, जैसे यहां पर इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये एक स्टूडेंट्स का ईआरडी डायग्राम आपके सामने आया हुआ है। एंटिटीज और उस एंटिटीज के दरमियान के तहल्लुक को प्रेजेंट करता है ग्राफिकली। जैसे यहां पे ये बता रहा है कि अकाउंट है, ये कैशियर है, ये रीजन है, और ये एक बैंक के सिस्टम को ईआरडी के जरिए प्रेजेंट किया गया, ठीक है। इसके अलावा इसमें आता है डीएफडी, डाटा फ्लो डायग्राम। डाटा फ्लो डायग्राम को प्रोसेस चार्ट भी कहते हैं, बबल चार्ट भी कहते हैं। ये इसलिए होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस को थ्रू ग्राफिक्स प्रेजेंट किया जा सके। इन्हें आप कहते हैं, ये आपके क्या हैं जी, प्रोसेस मॉडलिंग टूल्स हैं। फिर आ जाते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स की तरफ, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स एक्चुअली सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे एमएस प्रोजेक्ट एक टूल है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट किस लिए होता है कि आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसके स्टेप्स को क्लियरली आप स्पेसिफाई कर सकें, उसकी डॉक्यूमेंटेशन बना सकें, ठीक है। फिर जी डॉक्यूमेंटेशन टूल्स भी होते हैं एसटीएलसी में, जैसे आप एमएस वर्ड को ही इस्तेमाल कर लें, ठीक है, एडोबी इनडिजाइन को इस्तेमाल कर लें। एनालिसिस के टूल होते हैं। एनालिसिस के टूल किस लिए होते हैं कि आपने जो डाटा गैदर किया है उस वो करेक्ट है या उसमें एरर या ओमिशंस हैं, ठीक है। जैसे अगर अकाउंट्स का डेटा है तो एमएस एक्सेल में आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं। अगर वो स्टैटिस्टिक का डेटा है तो स्टैटिस्टिशियन के टूल्स होते हैं, उनमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं डिजाइनिंग के लिए। डिजाइनिंग में क्या होगा जी, सिस्टम एनालिस्ट ये फाइंड आउट करेगा कि जो सिस्टम या जो चीज वो बनाने जा रहा है सॉफ्टवेयर, उसकी ब्लॉक स्ट्रक्चर कैसी होगी, उसका फेस कैसा होगा। जैसे ये वर्ड है तो इस पे टॉप पे टाइटल बार बनी हुई है, फिर फाइल एडिट और इस तरह बना हुआ, ठीक है। तो ये वाली जो डिजाइनिंग की जाती है जिस सॉफ्टवेयर में की जाती है उसको आप क्या कहते हैं, ये क्या है, डिजाइन टूल है। डिजाइन टूल में मिसाल के तौर पे आप डेटाबेस बना रहे हैं तो आप ओरेकल डेवलपर का इस्तेमाल करेंगे, आप कोई गेम बना रहे हैं तो आप जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह फिर कॉन्फ़िगरेशन टूल्स होते हैं, ठीक है। आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करते हैं, उसे चेक करते हैं के चेंज कंट्रोल टूल्स होते हैं, प्रोग्रामिंग के टूल्स होते हैं, प्रोटोटाइपिंग ऑलरेडी डिस्कस हो गई, वेब डेवलपमेंट के जैसे हमने बात की वर्डप्रेस हो गया, एचटीएमएल हो गया वेबसाइट्स वगैरह बनाने के लिए, क्वालिटी एश्योरेंस है और मेंटेनेंस है। सिस्टम एनालिसिस जब कंडक्ट हो जाता है तो सिस्टम एनालिस्ट के पास तमाम डेटा जो उसको रिक्वायर होता है सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए, तो वो आ जाता है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन तैयार हो जाती है। एनालिसिस के बाद अगला जो काम है एसडीएलसी का वो है सिस्टम डिजाइन। डिजाइन में क्या होता है, सिस्टम एनालिस्ट ये जो उसने एनालिसिस कंडक्ट किया होता है इस डॉक्यूमेंटेशन को हवाले करता है प्रोग्रामर्स के, सॉफ्टवेयर इंजीनियर के। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं जी, उसकी बेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर वो डेटाबेस सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो डेटाबेस बना देंगे, वो वेबसाइट बना रहे हैं वो वेबसाइट डेवलप कर देंगे, वो कोई बिल्डिंग रोड या ब्रिज बना रहे हैं वो उसको कंडक्ट कर लेंगे। अब डिजाइन भी दो तरह का होता है, एक होता है हमारे पास लॉजिकल डिजाइन, एक होता है हमारे पास फिजिकल डिजाइन। जैसे ऊपर हम बात करके आए हैं कि डिजाइन टूल्स हैं, जब डिजाइन टूल का काम तो लॉजिकल डिजाइन तैयार करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं, एक रोड बनाने जा रहे हैं, तो आप ऑटोकैड में उसका नक्शा बनाएंगे, दैट इज अ लॉजिकल डिजाइन। और अगर आप एक सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे जी, किसी ग्राफिक के सॉफ्टवेयर में उसका इंटरफेस डिजाइन करेंगे, दैट इज अ लॉजिकल डिजाइन। अब बात करते हैं दूसरा आ गया फिजिकल डिजाइन, कौन सा होता है। फिजिकल डिजाइन वो डिजाइन होता है जिसमें सिस्टम एनालिस्ट लॉजिकल डिजाइन को एक्चुअल सिस्टम में कन्वर्ट करता है। अगर वो सॉफ्टवेयर है तो वो उसके पीछे कोड करेगा किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए, VB.NET, HTML, JavaScript, जिसमें भी वो एक्सपर्ट होगा उसको यूज करते हुए वो क्या करेगा, उसको एक्चुअल सॉफ्टवेयर की शक्ल दे देगा। अगर वो कोई बिल्डिंग है तो वो उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करवा देगा, ठीक है। तो ये हो गया फिजिकल डिजाइन।
फिर अगला आ गया जी टेस्टिंग फेज। टेस्टिंग फेज एसपीएलसी का वो फेज है जिसमें सिस्टम एनालिस्ट न्यूली डेवलप्ड सिस्टम को चेक करता है कि भाई इसमें कोई एरर तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, और उसको डीबग किया जाता है, यानी एरर्स को रिमूव किया जाता है। टेस्टिंग फेज की भी डिटेल में बात करें तो हमारे पास दो तरह के सब फेजेस हैं इसमें, ठीक है। एक होता है अल्फा टेस्टिंग और एक होता है बीटा टेस्टिंग। अल्फा टेस्टिंग मीन न्यूली डेवलप्ड सिस्टम को बाय पार्ट्स चेक किया जाए। मिसाल के तौर पे आपने एक MIS बनाया हुआ है, आप उसके AIS को, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम को अलग से चेक करें, स्टॉक इंफॉर्मेशन सिस्टम को अलग से चेक करें, और उसमें जितने भी आपने छोटे सॉफ्टवेयर बनाए हैं सबको अलग अलग चेक करें कि वो फंक्शनल है या नहीं है। इसे कहा जाता है ये क्या किया आपने, अल्फा टेस्टिंग की है। फिर बीटा टेस्टिंग क्या है कि पूरे के पूरे सिस्टम को एज अ होल चेक किया जाए कि इसमें किसी किस्म का कोई बग तो नहीं है, ये प्रॉपरली वो काम कर रहा है जिसके लिए इसे बनाया गया या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो बग्स को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंटेशन फेज। इम्प्लीमेंटेशन फेज में क्या होता है कि सिस्टम एनालिस्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सिलेक्ट करता है, ठीक है, उस कोड को चेक करता है या जो कोड उसने लिखना है वो लिखेगा। प्रोग्राम बन गया, सॉफ्टवेयर तैयार हो गया, अब वो जो न्यूली डेवलप्ड सिस्टम है उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेगा। मिसाल के तौर पे उसने हमारे इदारे के लिए जी एनालिस्ट MIS बनाया है, वो हमें लगा के दे देगा कि चलिए जी आप इसमें काम करें। कोई रोड है, कोई बिल्डिंग है, कोई ब्रिज है, उसके ऊपर ट्रैफिक छोड़ देगा जी रोड के ऊपर, चलो जी इसे चेक करो जी, इम्प्लीमेंट करो जी। अब इम्प्लीमेंटेशन में भी कॉम्प्लिकेशन है, इसमें भी दो फेजेज होते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन होती है डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, तब होती है जब सिस्टम एनालिस्ट 100% श्योर होता है कि जो सिस्टम उसने बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है, उसमें किसी किस्म की कोई एरर नहीं है, तो वो क्या करता है जी प्रीवियस सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर देता है और न्यू सिस्टम उसकी जगह पर लगाता है। मिसाल के तौर पर सॉफ्टवेयर बनाया गया डेटाबेस का, तो अब ऑर्गेनाइजेशन को कह दिया जाता है कि जी सारा काम कंप्यूटराइज करें, मैनुअल काम करने की जरूरत नहीं। एक रोड बना दिया गया तो उसका जो मुतबादल रोड है उसको बंद कर दिया जाता है जी, बस इसी को चलाएं। ये डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन बहुत कम केसेस में होता है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन या पैरेलल इंप्लीमेंटेशन। पैरेलल क्या है कि प्रीवियस सिस्टम भी चल रहा है, न्यू सिस्टम भी चल रहा है, एक खास अरसे के लिए दोनों सिस्टम चलेंगे। जब न्यू सिस्टम फुल्ली फंक्शनल हो जाएगा तो पुराने वाले सिस्टम को खत्म कर दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पैरेलल इंप्लीमेंटेशन है, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में मोटरवे बना तो 5 साल तक मोटरवे और जीटी रोड एक साथ चलते रहे, जब मोटरवे फंक्शनल हुआ पूरी तरह तो जीटी रोड को बंद कर दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं जी मेंटेनेंस एंड रिव्यू। सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन का वो फेज जो नेवर एंडिंग है, ठीक है, कभी भी खत्म नहीं। इसमें क्या होता है कि सिस्टम एनालिस्ट न्यूली डेवलप्ड सिस्टम को अपडेट रखता है और टाइम के लिहाज से उसमें चेंजेस लाता है जैसे जैसे जरूरत पड़ती है। जैसे जी अब चाइना वालों ने हमें मोटरवे बना के दे दी तो उनका लाइफ टाइम कारोबार लग गया पाकिस्तान के साथ। जब कभी उससे कोई छोटी सी खराश आएगी तो वो वहां से इंजीनियर आएगा उसको रिपेयर करेगा। सिमिलरली एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया, MIS बना दिया किधर, तो जिस इंजीनियर ने बनाया है वो ही उसको मेंटेन कर सकता है, वही उसमें चेंजेस ला सकता है। तो ये फॉरएवर फेज है, यानी कि जब कभी चेंजेस की जरूरत होगी उसी कंपनी से रब्ता किया जाएगा कि आप आए और आपको ये चीज करके दें। इस पूरे प्रोसेस को आप कहते हैं SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल।